Namaste everyone. Let's continue chapter number 20, नया रास्ता. तो लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 19 में हमने देखा था कि अमित अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं है. उसकी माँ कोशिश कर रही थी. लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 20, अंतिम वर्ष की परीक्षा. दैट इज द लास्ट ईयर ऑफ द एग्जाम. लास्ट ईयर, लास्ट एकेडमिक ईयर. तो अंतिम वर्ष की परीक्षा जो एग्जाम थी लास्ट ईयर की, वह देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया. तो मीनू ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास हो गई है. अब अंतिम वर्ष लास्ट ईयर की एग्जाम देने के लिए बहुत हार्डवर्क किया था. पूरे वर्ष, फुल ईयर, होल ईयर, लगन व उत्साह पूर्वक उसने पढ़ाई की. वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे. पेपर्स वेर, सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए थे. आज उसका अंतिम पेपर था. तो आज उसका लास्ट पेपर था. तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 20, मीनू का अंतिम वर्ष की परीक्षा का अंतिम पेपर, लास्ट ईयर का लास्ट पेपर. अंतिम पेपर देने के बाद तो लास्ट पेपर भी हो गया. जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई, एग्जाम हॉल, परीक्षा कक्ष, तो उसे लगा, तो मीनू को परीक्षा देने के बाद कैसा अनुभव हुआ? उसे लगा कि मानो आज वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट, पूर्ण रूप से. अब वह परतंत्र, स्वतंत्र अपोजिट परतंत्र, डिपेंडेंट पक्षी की तरह पिंजरे में, केज्ड बर्ड के जैसे नहीं है, पिंजरे में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह, फ्री इंडिपेंडेंट बर्ड की तरह खुले गगन में, गगन मीन्स स्काई में विहार कर सकेगी. तो उसे लग रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री बर्ड के जैसे इंडिपेंडेंट हो गई है. अब वह बंद केज बर्ड की तरह, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह नहीं है. आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था. सखी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स का लास्ट पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी. यद्यपि मतलब कि ऐसे तो रात दिन जागने के कारण, तो रात दिन जागने के कारण सभी थके हुए थे, परंतु थकान भरे चेहरों पर भी प्रसन्नता की झलक थी. मींस एवरीवन वाज टू टायर्ड. व्हाई? बिकॉज़ दे वर स्टडिंग रियली वेरी हार्ड. तो जागने के कारण, रात दिन जागने के कारण सभी थके थे, बट दे वर ऑल लुकिंग वेरी हैप्पी. भरे चेहरों पर प्रसन्नता की झलक थी. मीनू के परीक्षा कक्ष के बाहर कौन मिला? मीनू परीक्षा कक्ष, एग्जाम हॉल के बाहर खड़ी अपनी सखी, अपनी फ्रेंड माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से वह आती दिखाई दी. कक्ष मीन्स हॉल, जो कमरा है. तो सामने से मीनू आती हुई दिखाई दी. माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे. दृष्टिगोचर, विजिबल. तो माया, मतलब एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को देख के एग्जाम खत्म हो जाती है, तो दे आर हैप्पी टू सी ईच अदर. तो माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव, भाव मीन्स इमोशंस. मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चलती और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं. तो मीनू ने क्या प्रोग्राम बनाया? एक मूवी का. पिक्चर देखने चलते हैं. पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती. अब ये कौन बोल रहा है? मीनू बोल रही है कि एग्जाम हो गई है, तो मैंने मन में प्री प्लान किया था कि मैं आज नीलिमा को मिलाऊं. अरे नीलिमा के पास कल चली जाना, आज पिक्चर चलते हैं. किसने कहा? मीनू, माया ने. हाँ, माया ने कहा, ठीक है आज पिक्चर ही चलते हैं, बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं है. किसके कहने पर पिक्चर का प्रोग्राम बना? तो माया के कहने पर मीनू और माया पिक्चर देखने जा रही थी, उनका लास्ट पेपर जिस दिन खत्म हुआ उस दिन. मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा, समर्थन, एग्री करना. मीनू, तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा कि तुम अपने घर कब जा रही हो वापस? 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया. कब जा रही थी? ओके, 2 दिन बाद. माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊंगी. क्यों 2 दिन बाद? क्यों आफ्टर 2 डेज? क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना था, नंबर वन. नंबर टू, दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है. तो 2 रीजन उसने दिए, घर के लिए कुछ सामान, कुछ थिंग्स खरीदनी है, बाय करनी है, और नीलिमा से मिलना है. अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा.
माया के चेहरे पर उदासी के भाव क्यों आए? क्योंकि उन्होंने इतने साल 3 साल साथ साथ बिताए थे। लास्ट पेपर हो गया था, मीनू 2 दिन के बाद अपने घर जाने वाली थी, माया भी अपने घर चली जाती, इसलिए दो दोस्त दो सखियां बिछड़ने वाली थी, अलग होने वाली थी, इसलिए माया के चेहरे पर उदासी के भाव, सैडनेस के भाव आए। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखनी चाहिए। कितने बजे? 3 o'clock आफ्टरनून, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि ना हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 to 6 खत्म होगी मूवी, तो जल्दी से हॉस्टल आएंगे, लेट नाइट नहीं आना पड़ेगा। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। क्यों जागी हुई थी? पढ़ाई करने के लिए। प्रीवियस नाइट ये टॉक हो रहा है प्रीवियस नाइट के बारे में। एक रात पहले दोनों जागी हुई थी, पिछली रात प्रीवियस नाइट, तो सारी रात ही बैठ कर पढ़ी थी, फुल नाइट। कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ, उनका मन हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाए। आंखों में नींद भर रही थी, थकान के कारण बदन टूट रहा था, मतलब फीलिंग टायर्डनेस। मीनू को पलंग पर लेटते थोड़ी सी झपकी लगी। व्हाट इज झपकी लगना? शॉर्ट नैप, मतलब थोड़ा सा जैसे ही उसकी आंख लग रही थी, सोने वाली थी, तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। भारीपन मतलब एक बार हम सो जाते हैं तो फिर उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स लिटिल हार्ड। एक बार सो गए तो थोड़ा हैवीनेस आ जाता है। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर, आग्रह मीन्स टू इंसिस्ट टू रिक्वेस्ट, उसे उठना ही पड़ा। किसे मन नहीं कर रहा था? मीनू को। और कौन रिक्वेस्ट कर रहा था? माया। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और सहपाठी, सह मतलब साथ में, पाठी मतलब पढ़ने वाले, दैट इज क्लासमेट्स, भी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे, सभी फ्री फील कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए, हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते। भोजनालय जहाँ पे हॉस्टल में खाना खाया जाता है वहां पे रोज खाते हैं, तो आज कहीं और होटल में चलो मस्त से खाना खाए। ओके, उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया। रात्रि का भोजन मतलब डिनर उन्होंने बाहर ही खाया। बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। तो वो लोग 3 to 6 का शो देखे, मस्त से डिनर किया, एंड देन दे रिटर्न टू द हॉस्टल। हॉस्टल में आते ही उनको सामने कौन दिखा? विल्सी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है, उनको नेक्स्ट डे के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएगी, मस्त से आज सोएंगे। ओके चलो ठीक है। तो उन्हें कौन मिलता है? जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली कीज निकाली, सामने नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। कौन आता दिखाई दिया? नीलिमा और सुरेंद्र जी। एक क्वेश्चन हो गया, नीलिमा सुरेंद्र जी उदास क्यों थे? उन्होंने कौन सी स्थिति बताई और मीनू से उन्होंने क्या आग्रह किया? समाचार सुनने के बाद मीनू की मन स्थिति क्या थी? तो ये सारे क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द नेक्स्ट पैराज। नीलिमा ने क्या बताया? नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। पहले तो मीनू खुश हो गई, हैप्पी। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बिठाया, चेयर ऑफर किया। नीलिमा, आज तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया, अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। तो मीनू बोल रही है, मैं कल आने ही वाली थी। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? विल्सी। उसने बोला कि मैं पहले ही आने वाली थी, पर मैं नहीं आई तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारी एग्जाम्स थी, एंड मैं तुम्हें डिस्टर्ब, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, विघ्न डिस्टर्ब, इसलिए मैं पहले नहीं आई। और मैं अभी भी बहुत देर से, मतलब ये लोग घूम फिर के आ रहे हैं, तो वो बहुत देर से प्रतीक्षा, वेट कर रही हूँ। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से ना रहा गया। तो कौन उदास था? सुरेंद्र जी उदास दिख रहे थे, तो उनसे, उन्हें देखकर मीनू से ना रहा गया। वह नीलिमा से पूछी बैठी। तो नीलिमा और सुरेंद्र कुछ उदास दिख रहे थे
क्यों उदास दिख रहे थे? नीलिमा आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। तो नीलिमा और सुरेंद्र दोनों उदास थे, क्या कारण था? वह उदास स्वर में बोली, मीनू 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। नाजुक है मतलब क्रिटिकल कंडीशन। कितने दिन पहले? 3 डेज पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया। अमित सुरेंद्र का फ्रेंड था, तो नीलिमा और सुरेंद्र मीनू के यहाँ आए हैं ये बात बताने के लिए, न्यूज देने के लिए। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली शॉक्ड एंड सेड, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। कैसे हो गए थे? ब्रेक फेल। कहाँ कहाँ चोट आई है? चोट हर्ट होना, हाथ पैरों की हड्डियां बोन्स तो चकनाचूर, चकनाचूर मतलब पूरी तरह से टूट जाना, ब्रेक हो जाना। फ्रैक्चर्स हो गए हैं हाथ और पैरों में, और पूरे शरीर पर भी चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई, सैड हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू अमित भैया तुम्हें याद कर रहे थे, यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिलाना। तो व्हाट क्वेश्चन वी कैन फ्रेम ओवर हियर कि नीलिमा ने उससे क्या आग्रह किया? आग्रह मींस इंसिस्ट करना, व्हाट शी इंसिस्टेड। तो आंसर विल बी कि अमित भैया तुम्हें याद कर रहे हैं। व्हाई शी सेइंग भैया, क्योंकि वो सुरेंद्र के फ्रेंड है, तो शी सेड कि अमित भैया तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम अगर उचित समझो, इफ यू थिंक इट्स गुड इनफ कि अप्रोप्रिएट है, तो तुम उनसे जाके मिल आना। तो नीलिमा उसे आग्रह कर रही थी कि गो एंड मीट अमित। कौन से अस्पताल में है, मीनू ने पूछा? मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। कौन से अस्पताल? जो पास में मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं उनके भी हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहां पे वे एडमिट है। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिलाऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। समाचार सुनने के बाद मीनू की मन स्थिति, तो दिस विल बी द आंसर। मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थककर सो गई थी, तो माया तो पहले ही सो गई थी, उसकी फ्रेंड, हॉस्टल की फ्रेंड माया। और उन दोनों के जाने के बाद, मीन्स नीलिमा और सुरेंद्र के चले जाने के बाद, मीनू ने भी कोशिश की कि वह सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। तो उसकी क्या मन स्थिति थी? समाचार सुनने, न्यूज सुनने के बाद मन स्थिति मीन्स उसके क्या रिएक्शंस थे, वो क्या फील कर रही थी। तो पहली बात, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी। घृणा मीन्स 4 मंथ्स पहले की बात है। तो मीनू के तभी व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग्स शी हैड, उसके मन में घृणा थी, हेट का फीलिंग्स था। परंतु अब उसे न जाने क्या हो गया था, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके हार्ट में, एक कोने में, एक कॉर्नर में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव, स्नेह भाव मीन्स अफेक्शन, अ लिटिल लाइकिंग उत्पन्न हो गया था। उत्पन्न हो जाना मीन्स कुछ अफेक्शन उसको फील हो रहा था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। तो मन स्थिति क्या थी? उसे नींद नहीं आ रही थी, नंबर वन। नंबर टू, पहले घृणा थी पर अब थोड़े थोड़े स्नेह भाव, दैट लाइकिंग था। नंबर थ्री, उसका दिल बेचैन हो उठा। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के बेचैन मीन्स रेस्टलेस, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता था। उसे अब सिर्फ अमित ही दिखाई दे रहा था जैसे ही वो सोने की कोशिश करती। उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था, उससे उसके वे नेत्र, वो आईज जो अपनी मुख भाषा मतलब बिना बोले हुए ही, दो सेंसिटिव आईज अपनी मुख भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। तो अब मीनू को लगने लगा था कि अमित और उसकी वो आईज बिना बोले ही, दे आर सो एक्सप्रेसिव उसकी आईज, कि वह आईज उसको बोल रही थी कि यस आई एम इनोसेंट, यस मैं निर्दोष हूँ, ऐसा शायद अमित की आंखें बोल रही थी। इस तरह की कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स, कुछ कुछ लाइकिंग, कुछ स्नेह भाव, कुछ रेस्टलेस, ये फीलिंग्स मीनू के मन में आ रही थी। सो दिस वॉज योर आंसर। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में, रेस्टलेस में करवटें बदलती रही, कभी झपकी लग भी जाती, कभी सो भी जाती।
तो ये रही इन दोनों के नीलिमा और सुरेंद्र जो बात कर रहे थे, तो मीनू के मन में इस काइंड ऑफ अमित की फीलिंग इमेज बन रही थी। चौंककर आंखें खुलती तो उसके सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता। प्रातः होते ही अर्ली इन द मॉर्निंग वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। व्हाट इज वर्जित? नॉट प्रोहिबिटेड, मीन्स बिफोर 10 o'clock इन द मॉर्निंग जो मिलने का टाइम है, तो द गेस्ट आर नॉट अलाउड टू विजिट द पेशेंट। ऐसा तो 10 बजे से पहले जो पेशेंट्स रहते उनसे मिलना अलाउड नहीं था। तो तभी उसकी नजर अपनी कलाई घड़ी पर पड़ी, कलाई घड़ी रिस्ट वॉच, उस समय 9 बजे थे। मीनू कितनी देर पहले हॉस्पिटल आ गई थी? मीनू अस्पताल 1 घंटे पहले आ गई थी। 10 बजे मिलना था उसे, 9 बजे आ गई थी वो। 1 घंटे का समय कहाँ व्यतीत करे, वेयर टू मतलब स्पेंड करना, तो 1 घंटा अब वह कहाँ टाइम पास करेगी, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया? सी क्वेश्चंस व्हाई आई एम मैं क्वेश्चंस क्यों बोल रही हूँ, इफ यू लिसन द क्वेश्चन एंड देन रीड तो एटलीस्ट इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट द आंसर्स। तभी उसने एक पत्रिका मैगजीन खरीदी, तो उसने एक मैगजीन बाय की और पास में पड़ी एक बेंच, हॉस्पिटल में जो एक बेंच पर थी उस बैठने लगी। वह हर 10 मिनट्स में उसकी नजर घड़ी रिस्ट वॉच पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। व्हाई इट इज सेड कि एक एक पल काटना कठिन हो रहा था, अ सिंगल मोमेंट भी नहीं हो रहा था, आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब एक्सप्लेन द मीनिंग। तो जैसे ही हम इंतजार करते हैं किसी का वेट करते हैं, तो हमें लगता है कि समय बहुत बड़ा हो गया है। एंड यहाँ पर मीनू मिलना चाहती थी अमित से और उसे अब 1 घंटा समय व्यतीत करना था, इसलिए इट इज सेट कि एक एक पल काटना कठिन हो गया था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठ खड़ी और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था, अमित बेड पर था। 10 o'clock मीनू एंटर किया उसके हॉस्पिटल के बेड रूम में, सॉरी, और बेड पर अमित लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर, सैड, मुरझाया मतलब सैडनेस ही, जैसे उदास मुरझाया हुआ चेहरा, जैसे फ्लावर खुश हो जाता है वह और जैसे मुरझा जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उसी तरह अमित का चेहरा भी एक फूल की तरह मुरझा गया था, उदास सा था वो। उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, वेव, क्यों? मीनू को देखकर उसे खुश हो गया। मीनू पास में पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठी रही, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात करनी शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से ये शब्द निकले, तो बात करनी किससे स्टार्ट की? मीनू ने क्या कहा? अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में, वेरी सॉफ्टली लो टोन में उसने कहा, ठीक नहीं है। यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उनका फल मिला है मुझे। तो अमित, यहाँ पे हम लेट मी टेल यू कि अमित, हम लोग बहुत पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि अमित वॉज ट्राइंग टू मीट एंड टॉक टू मीनू, बट उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। आज उसको मौका मिला एंड ही वॉन्टेड टू से एवरीथिंग। उसके मन में जो जो बात थी वो सारी वो मीनू से शेयर करना चाहता था। तो ही स्टार्टेड, मीनू, जो मैंने पाप किए थे उसका फल मुझे आज मिला। पाप मतलब जो मेरे कर्मास थे, बैड कर्मा थे, तो उसका फल मेरे को आज मिला। मतलब मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया इन रिटर्न कर्मा, तो मुझे आज उसका फ्रूट मिल रहा है। तो ये सब मेरे साथ हो रहा है, एक्सीडेंट एंड हाथ पैर पे फ्रैक्चर्स एंड ऑल दैट। ये कैसी बात करते हैं आप? मीनू ने अमित को चुप करते हुए कहा। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। भावनाएं, फीलिंग्स, ठेस टू हर्ट, अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है, तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत घृणा, हेट फीलिंग्स है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट क्लियर कर दूं, परंतु दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, ऐसा मौका ही कहां मिला।
तो यहाँ अमित अपने मन की सारी बात बता रहा है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मीनू ने कहा। मीनू से चुप कराने की कोशिश करती, मतलब वो बात को टाल रही थी, उसको चुप करा रही थी, परंतु अमित जैसे उससे कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद तुमसे बात करने का अवसर मिला है, अवसर, अपॉर्चुनिटी, चांस, न जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूं। मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, पहली बार, फर्स्ट टाइम जब उसने मीनू को देखा, तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। अरमानों की मंजिल मीन्स डेस्टिनेशन ऑफ माई डिजायर। जैसे अभी वो अपने मन की बात बता रहा है, तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, दैट हम लोग बोलते हैं जैसे लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ द फीलिंग, तो तुम ही मेरी अरमानों की मंजिल हो, दैट इज डेस्टिनेशन ऑफ माई डिजायर, यू आर लव ऑफ माई लाइफ। इस तरह से वो अपने मन की सारी फीलिंग्स मीनू के सामने आज एक्सप्रेस कर रहा है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, पा लेना मतलब आई वॉन्टेड, मैं तुम्हें पाना चाहता था, दैट काइंड ऑफ, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ, मीन्स मैं शादी के लिए हाँ बोलना चाहता था तुमसे हमेशा के लिए, लव एट फर्स्ट साइट थी और मुझे पहली नजर में तुम पसंद आ गई थी और मैं तुम्हें पाना चाहता था, परंतु वापस जब तुमको देख के, उस दिन तुमको देखने का जो रिसम था, कस्टम, ट्राई टू रिमेम्बर, तो जो देख के मैं जब मेरठ वापस आया अपने घर पे, तो सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी आई कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया, भंवर मीन्स दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन में फंस गया, जिससे आज तक नहीं निकल पाया हूँ। क्या सिचुएशन थी, वी ऑल नो कि क्या हुआ था। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुंचे तो देखा कि मेरठ के एक बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे, रिश्ता प्रपोजल। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, मैं नहीं चाहता था, ओके, अमित बोल रहा है, मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल न सका। तो उसकी मजबूरी क्या थी, वो अपने माता पिता के सामने बोल नहीं पाया, शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो उसने अपनी भूल कबूल की कि ये मेरी भूल थी, he realized his mistake, वो एक्सेप्ट कर रहा था अपनी मिस्टेक को। उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, उसके साथ मतलब किसके साथ, उस धनी लड़की के साथ, धनी मलची की बेटी की बात हो रही है, मेरा रिश्ता तो हो गया था परंतु शादी ना हो सकी, ईश्वर ने इससे भी कुछ भलाई ही की। तो वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों कहा है, आशा स्पष्ट कीजिए, आशा मीन्स मीनिंग कि ईश्वर ने इससे भी कुछ भलाई ही की थी, मतलब वो रिश्ता टूट गया अमित का तो वो अच्छा ही हुआ। जब से रिश्ता टूटा है मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया, आई इवन डिडंट ट्राई कि किसी और के साथ मेरी शादी फिक्स हो, क्यों, क्योंकि वो मन से इसी को पसंद करता था, मीनू को। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी है, माय पेरेंट्स आर रियली सैड कि रिश्ता टूट गया एंड मैं कोई और लड़की देख नहीं रहा हूँ, तो माय पेरेंट्स आर रियली सैड, और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि वो उस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी, दैट इज लाइफ पार्टनर, मान लिया था, लेकिन आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, सो आई एम वेटिंग फॉर यू। नीलिमा भाभी ने मुझसे से पता चला कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर, मतलब जब मैंने तुम्हें मना किया तो दिस डिसअप्रूवल से, जब मैंने आई सेड नो टू यू, तो इससे दुखी होकर से ये उनको मिलने आई है, वकालत पढ़ने का वह अपने पाँव पर खड़े होने का फैसला किया। तो मुझे नीलिमा से पता चला कि देन यू डिसाइडेड कि मैं लॉ पढ़ूँ एंड इंडिपेंडेंटली अपने पाँव पर खड़ी हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं किया था, मतलब मैं नहीं चाहता था कि 3 साल तुम जो पढ़ाई कर रही थी तो तुम्हारी पढ़ाई बीच में छूटे, इसलिए मैंने कभी तुमसे करेज गैदर नहीं किया, साहस कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। आज जब तुम वकालत, आज जब तुम्हारी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, मतलब अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई थी, नाउ दिस वॉज द राइट टाइम टू टेल यू समथिंग,
पर विधाता, विधाता क्रिएटर गॉड ने मुझे तुम्हारे योग्य ही नहीं छोड़ा, योग्य नहीं छोड़ा मीन्स अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे पता नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन है, पूरे बॉडी में फ्रैक्चर्स है हाथ पैर में, एंड अब शायद मैं फिजिकली आई एम नॉट फिट फॉर यू, तो शायद मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं. अब अमित को रोता देखकर वह उसकी बातों से भाव विभोर होकर, इमोशनल होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए. आंसू आना टीयर्स. अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण कंट्रोल रखकर फिर बोलना शुरू किया, मीनू मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, अपने मन की सारी बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको. अब क्षमा मीन्स सो दैट यू कैन फॉरगिव मी. वैसे मेरे अपराध की सजा, मेरे क्राइम की सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है, पनिशमेंट मुझे ईश्वर ने दे दी है. अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे क्षमा कर दो. यह बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा. जल उमड़ पड़ना, आंसू आ जाने आंख में. अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी भर आया. मीनू भी इमोशनल हो रही थी. वह भाव विभोर इमोशनल होकर बोली, अमित भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, डेस्टिनी या किस्मत ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट. दोष जहां तक क्षमा करने की बात है, जहां तक माफ करने की बात है, तुमने कोई अपराध, कोई क्राइम ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की. मीनू मैं इस समय मृत्युशैया पर हूं. व्हाट इज मृत्युशैया? डेथ बेड. न जाने कितने दिनों की जिंदगी है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा. चैन से मर जाना, डाइंग इन पीसफुली. ओके, तो वो बोल रहा है कि अभी मेरी हालत बहुत खराब है, पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो प्लीज मुझे क्षमा कर दो. ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए. वह बोली, नहीं अमित ऐसा ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे. गॉड ग्रेस यू विल बी ओके फाइन. तुम अमित. तभी अमित ने गहरी सांस ली, डीप ब्रेथ, और उदास स्वर में बोला, यदि मैं ठीक भी हो जाऊंगा तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा, कंप्लीटली फिट नहीं रहूंगा. देखो दोनों हाथों और दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई है, फ्रैक्चर हड्डियां बोन्स चूर चूर मतलब कंप्लीटली ब्रोकन. इस दशा में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ क्या? मतलब ही इज आस्किंग कि क्या मैं ठीक होऊंगा. नहीं मैं नहीं होऊंगा, तो अब तो मतलब मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ. तभी अमित की माता जी ने कमरे में प्रवेश किया. किसने? अमित की माँ ने. ओके, क्वेश्चन से यहाँ भी पूछते हैं कि कौन आया कमरे में. आने वाले ने क्या मीनू को पहचाना? तो आंसर, कौन आया? अमित की माँ. मीनू को उन्होंने 3 वर्ष के बाद देखा था, आफ्टर कंप्लीटली आफ्टर 3 इयर्स वो मीनू को देख रही थी, इसलिए वो मीनू को पूरी तरह पहचान नहीं पाई. पहचानना, रिकॉग्नाइज करना. उन्हें आभास हो रहा था कि वो उस लड़की को पहले भी कहीं देख चुकी है. जैसे हम 3-4 साल पहले किसी को देखते तो वी थिंक हाँ हाँ कहीं तो देखा है, पर वो पहचान नहीं पा रही थी. तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया. अमित ने मीनू को यह कहते हुए परिचय कराया कि मम्मी ये मीरापुर वाली मीनू है. तो इंट्रो करवाया. जैसे ही अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा, बेटी आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? शी आस्क्ड. हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत पढ़ रही हूँ, वैसे अब 3rd वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ, परीक्षा फल रिजल्ट आना रह गया है. तो जब इंट्रो करवाया, इंट्रोडक्शन दिया, तब अमित की माँ ने मीनू को पहचाना. स्टार्ट में उसने नहीं पहचाना था. दिस विल बी योर आंसर. ओके नेक्स्ट. बेटी मेरे अमित पर तो न जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है. यह कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए. कौन सी घड़ी मतलब कौन सा बैड टाइमिंग है, बुरा समय चल रहा है कि उसकी हालत बुरी हो रही है. तो आंटी आप चिंता ना करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठ गई. मीनू ऐसे भी बाय हार्ट बहुत अच्छी है और अमित के मन के लिए अब उसके मन में भी फीलिंग्स है. तो उसने कहा कि आंटी आप चिंता ना करो, अमित ठीक हो जाएंगे. अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना. दया, एस तो हमें पता है कि मीनू काइंड हार्टेड गर्ल है, तो दया की भावना उमर पड़ी. उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती.
आज वीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका न जाने कितना पुराना रिश्ता है, मतलब कहीं ना कहीं उन वो लोग बाय हार्ट दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो आज उसको वो रियलाइज हो रहा था, दैट काइंड ऑफ द फीलिंग आज उसको फील हो रहा था वो सब। परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय? पर उसका ब्रेन उसको बोल रहा था कि इज इट राइट यहाँ पे और रुकना। अनेक विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे, अंत में उसने चलने का ही निर्णय लिया। एट द एंड शी डिसाइडेड टू यहाँ से चल दे, टू गो। तो दो आ रहा था कि उसे रुकना भी था और उसे जाना भी पड़ रहा था। चलने के लिए वह जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। शायद वह भी यही चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस नहीं था। उसके अंदर उतना साहस क्यों नहीं था? तो जो उसने पश्चाताप और क्षमा वाला जो आंसर है, दैट विल बी वी कैन राइट ओवर हियर, कि उसके मन में इतना साहस क्यों नहीं था कि वह उसे अपने पास बैठता। अपना विचार लिखिए तो वही आंसर आएगा इधर। वह उससे अपने पास बैठने के लिए कहता, इतना साहस उसके पास नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि वो थोड़ी देर और बैठे, बट वो उससे बोल नहीं पा रहा था। अमित के उदास नेत्रों, सैड नेत्र, आईज के वे भाव, इमोशंस मीनू के हृदय में उतर गए। अब मीनू वहां और न ठहर सकी, तो मीनू ने वहां से चलने का डिसाइड किया। ओके, इट्स क्वाइट बिग वीडियो हो गया है, एंड आई थिंक विल एंड ओवर हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 21। बाय।